फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के लोग अपने सांसद राजकुमार चाहर व विधायक उदयभान सिंह को तलाश रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि वोट लेने के बाद दोनों जनप्रतिनिधियों में से कोई नहीं आया है, जिससे गांव के हालत बद से बदतर हो रहे हैं। किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद राजकुमार ताहर की तलाश में उनके ही संसदीय क्षेत्र के वोटर हैं। सांसद राजकुमार चाहर और राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह मुर्दावार के नारे लगाकर युवाओं ने जताया रोष। सांसद और राज्य मंत्री पर भेदभाव का आरोप लगाया। जर्जर सड़क पर जलभराव से रास्ता बंद होने से आहत है ग्रामीण। जीतने के बाद सांसद राजकुमार चाहर और राज्य मंत्री चौधरी उदयभान सिंह पर क्षेत्र में न आने का आरोप लगाया है। समस्या से नहीं निजात मिली तो कहा कि तहसील का भी घेराव करेंगे। सड़क नहीं तो वोट नहीं स्लोगन के साथ आगामी चुनाव का बहिष्कार करने के लिए युवा नजर आए। यह पूरा मामला थाना कागारोल के गांव मलसेला के युवाओं ने सड़क पर प्रदर्शन किया। अमन गुप्ता, आगरा, समाचार 24। कौन से गांव के मलसेला? तो आज जो प्रदर्शन सड़क पर खड़ा होकर पानी किया है, किस चीज को लेकर किया है? क्या ये हमारी सड़क खराब है, 10 साल से बनी नहीं है और बरसात के टाइम में 3 महीने के लिए रास्ता भी बंद हो जाता है, पर यहाँ पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपके यहाँ सांसद विधायक हैं, आपने कोई शिकायत की सरकारी डिपार्टमेंट में, किसी ने शिकायत की? हाँ, सांसद जी से भी शिकायत की है, विधायक जी से भी शिकायत की है, पर उनके कान पर बिल्कुल चू तक नहीं जा रही। आपने सांसद विधायक के लापता होने के पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है, क्या दौरा नहीं करते सांसद विधायक? मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल नहीं आते हैं, वोट पड़ती हैं, जब ही आते हैं वोट के लिए आते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं आते हैं, काम कहीं कोई नहीं करा रहा है। अगर आपकी सुनवाई नहीं होती है तो क्या रणनीति रहेगी आगे की? आगे फिर यहाँ से आगे फिर हम धरना प्रदर्शन करेंगे, आगे भी जाएंगे जब हमारी सुनवाई नहीं होती है। आपने आज इस सड़क को लेकर प्रदर्शन किया है, जनप्रतिनिधियों के लापता होने के जो नारे लगाए, क्या कुछ मामला है, क्या प्रकरण है? जी, हमारी सड़क 2005 से नहीं बनी है, अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। इसके लिए हमने सत्ता प्रदर्शन के लिए वो किया था परिवर्तन, सांसद जी राजकुमार चार जी को वोट दिए थे इसलिए कि हमारी सड़क बन सके और जो समस्या है उससे निकास हो जाए हमारा। और जो विधायक हैं, सांसद हैं, ने कई बार अवगत करा दिया गया है परंतु कोई सुनवाई नहीं है। और किसानों को आने जाने में दिक्कत होती है, बच्चों को पढ़ने जाने में दिक्कत होती है, निकलने में दिक्कत होती है, कोई अगर बीमार हो जाए तो जाने के लिए रास्ता नहीं है, वो बहुत ही बुरी हालत हो रही है इसकी। तो क्या मांग करते हैं आप सरकार से? हम सरकार से ये मांग करते हैं कि हमारी सड़क बननी चाहिए चुनाव से पहले पहले, नहीं तो हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। नाम है तुम्हारा? लोकेंद्र चाहर। आपने ये सड़क पानी भरा हुआ है, इसको लेकर प्रदर्शन किया है, क्या मांगे सरकार से, क्या कहना चाहते हैं? अरे हम तो सड़क चाहिए भैया, कहीं सड़क बन जाए, उन्हें हम तो रोड जाम करेंगे जाते आएंगे जी। और साथ इतनी परेशानी झेल रहे हैं, हम विकट परेशानी झेल रहे हैं, हमारे गाँव को प्रेम हुए बाकी बहू के मतलब बालक है रो तो भाई पैदर पैदर कंधन पर धर के लाए हम, थोड़ा उपये की छुराई हो गए, इतनी परेशान है हमें सड़क के बारे में। तो आपके यहाँ सांसद विधायक हैं, उनकी अरे कू चले गए बिना जोर था बिना अरे बिल्कुल बाजोर है, हम अगली बार वोट जब देंगे बिना काजे, जब ये सड़क बन जाएगी और नहीं वो धरना धर देंगे, रोड जाम कर देंगे, सड़क ने बंद कर देंगे। क्या बीजेपी सरकार बोलती है कि गड्ढा मुक्त सड़क चाहिए, गड्ढा मुक्त हम प्रदेश कर रहे हैं, उसके बावजूद भी आपकी सड़क न बनना, क्या कहना चाहते हैं बीजेपी के प्रति? हमारे वोट दे रहे थे बाकी सड़क न बनी तो भाई, हम तो बाकी जो कह रहे हैं गड्ढा है बहन, तो पूरी नहर बन नहीं है, 2.5 किलोमीटर की है, 2.5 किलोमीटर तक यहाँ आते लेके मारते हैं, 2.5 किलोमीटर तक जी आलो है।